ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وفي رواية الأخرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين رواه البخاري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما ربي يسر ولا تعسر وتمنن بالخير آمين يا رب العالمين. आपके सामने सूरतुल गाशिया की आयत तिलावत की गई हैं और दो अहदीस अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान की गई हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है इदा जा रमादान, जब रमजान रमजान का महीना आ जाता है, फुतिहत अबवाबुल जन्नत, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। अब देखिए जनाब, यहां पे जो फेल आया है अगर उस पर हम गौर करें, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, खोल दिया जाना फेल है, मफ़ऊल कौन है, जन्नत के दरवाजे जो खोले जाते हैं, और फाइल कौन है, अल्लाह सुभानहु व तआला, अल्लाह के हुक्म से वो खोले जाते हैं। लेकिन अब देखिए कि मैंने आपके सामने जो तर्जुमा रखा है, अभी अरबी तो आपने नहीं देखी, उसमें फाइल का जिक्र नहीं है। तर्जुमा है, या अरबी भी देखिए, फुतिहत अबवाबुल जन्ना, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, फाइल का जिक्र नहीं किया गया। और आपको पता है जुमला फेलिया बगैर फाइल के तो होता ही नहीं है, ऐसा ही है। तो यहां पर ऐसा नहीं है कि फाइल नहीं है, नहीं नहीं, जन्नत के दरवाजे कौन खोलता है, अल्लाह सुभानहु व तआला। यहां पे फाइल मजकूर नहीं, यानी उसका जिक्र नहीं किया गया, उसका तज़किरा नहीं किया गया, उसको मेंशन नहीं किया गया, फाइल तो है। तो इससे क्या पता चला कि ये जुमला क्या है, पैसिव। पैसिव उसको कहते हैं इंग्लिश में जिसमें जो डूअर ऑफ द एक्शन होता है उसको मेंशन नहीं किया जाता। जैसे हम एक जुमला बनाते हैं, जैद हेल्प्ड हामिद, ये एक्टिव है, ठीक है जी, जैद ने हामिद की मदद की, इसका पैसिव क्या बनेगा बताइए जनाब, हामिद वाज हेल्प, हामिद वाज हेल्प, ठीक है जी, हामिद वाज हेल्प, करेक्ट, हामिद की मदद की, हामिद वाज हेल्प। अब अगर आप देखिए तो इस जुमले में जो जैद है, जो डूअर ऑफ द एक्शन है, जो सब्जेक्ट है, उसका जिक्र नहीं किया जाता। तो ऐसे जुमले को पैसिव बोलते हैं। अरबी में जैसे आपके सामने अभी पैसिव आया कि जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, ठीक है जी,
तो ये पैसिव है. अरबी में उसको बोलते हैं फेले मजहूल. क्या कहते हैं जी? फेले मजहूल. फेले मजहूल कहते हैं. तो पैसिव जो है उसको अरबी में क्या कहेंगे? फेले मजहूल कहेंगे. और इंशाल्लाह आज यही हमारा टॉपिक है. और सूरतुल गाशिया की जो आयत हमने तिलावत की, उसकी जो शुरू की हमने जो आयत तिलावत की, उसमें भी फेले मजहूल हमें मिलेगा. और इस हदीस में जैसे हम अभी मैंने आपको आपके आपके सामने रखा कि इसमें फेले मजहूल इस्तेमाल हुआ है. तो जनाब आइए अब हम जानते हैं कि फेले मजहूल का इस्तेमाल क्यों होता है. पहले जरा थोड़ी सी हमें ये बात पता चल जाए कि फेले मजहूल का इस्तेमाल किस वजह से किया जाता है. यानी ऐसी सिचुएशन कब आएगी जब फाइल का तज़किरा ना किया जाए, यानी सब्जेक्ट को मेंशन ना किया जाए, पैसिव कब लाया जाता है. तो इसका सबसे पहला रीजन और सबसे बड़ा रीजन ये है कि फाइल इतना जाहिर हो, इतना वाजे हो कि उसका तज़किरा करने की जरूरत ना हो. जैसे कि इस हदीस मुबारका में सही जी कि जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, हर किसी को मालूम है कि वो किसके हुक्म से खोले जाते हैं. कौन खोलता है? फाइल इतना वाजे और जाहिर है कि उसका तज़किरा करने की, उसको मेंशन करने की जरूरत नहीं होती, तो मजहूल का इस्तेमाल किया जाता है. दूसरा रीजन ये होता है कि कभी कभी दूसरा रीजन यानी और क्या रीजन हो सकता है कि मजहूल इस्तेमाल किया जाए. एक रीजन ये हो सकता है कि फाइल मेंशन ना करना चाहे. सही है, ऐसा भी कभी होता है कि इंसान ये तो बता देता है कि ये काम हुआ है, लेकिन ये नहीं बताना चाहता किया किसने है. ठीक है जी. तो ये हम डे टू डे लाइफ में भी देखते हैं इसकी मिसालें. ठीक है जी. कोई ऐसा काम जो हमें खबर देनी हो कि काम हो गया है, लेकिन ये ना बताना हो किया किसने, तो पैसिव का इस्तेमाल कर लेते हैं. तीसरा रीजन ये भी हो सकता है कि कभी मालूम ही नहीं होता कि फाइल कौन है. ठीक है जी. कभी मालूम ही नहीं होता फाइल कौन था इस काम का, तो फिर पैसिव में वो बोला जाता है, मजहूल उसको करके बोला जाता है कि जी फाइल का पता ही नहीं था. बाहर गए हम तो हमने देखा कि कोई चीज जो है गिरी पड़ी है. ठीक है जी. अब हमें पता नहीं किसने गिरा दी है. सही है जी. तो हम क्या कहते हैं कि वो गिरा दी गई, पैसिव बना दिया उसको हमने. फाइल का पता ही नहीं है, फाइल तो है लेकिन पता नहीं. तो ये मुख्तलिफ रीजन हैं, और भी रीजन हो सकते हैं जब फाइल हम जाहिर का वर्ड सही नहीं है, जब फाइल हम मजकूर, फाइल का जिक्र तज़किरा नहीं करेंगे, उसको मेंशन नहीं करेंगे. ठीक है. तो ये जो जहाला इसका मादा है मजहूल, इसके मायने क्या है पता नहीं है, मतलब नहीं मजहूल उसको कहते हैं ना कि देखे मैं अभी आपको बताता हूँ. अभी मजहूल जो है ना वो हम आते हैं उसके ऊपर कि आप ये पूछ रहे हैं कि ये मजहूल क्यों है. मजहूल इसलिए क्योंकि जो एक्टिव होता है, जो अब तक आपने पढ़ा है, वो मारूफ है. ठीक है, उसको हम करेंगे डिस्कस इंशाल्लाह. आइए जी, हम लोग बात कर रहे हैं फेले माजी मजहूल की. फेले माजी पढ़ रहे हैं अभी, तो सारी चीजें माजी से ही रिलेटेड. फेले माजी मजहूल, ठीक है जी. इसको आप लिख सकते हैं पैसिव वॉइस. इंग्लिश में आपने कहा हामिद पहले एक्टिव लिखेंगे. जैद हेल्प्ड हामिद. उर्दू में कह सकते हैं जैद ने हामिद की मदद की. ठीक है जी. जैद ने हामिद की मदद की. अब हमें अरबी में सीखना है, तो अरबी में तो आता है हमें एक्टिव बनाना. हाँ जी, बना दीजिए. नसरा जैदुन हामिदन. नसरा जैदुन हामिदन, माशाल्लाह बारकल्लाह फीक. फेल फाइल मफूल. नसरा जैदुन हामिदन एक्टिव. ठीक है जी. तो एक्टिव जो है जुमला, अरबी में इसको कहते हैं नसारा जो है. ठीक है जी. ये एक्टिव है ऐसे इंग्लिश में, तो इसको कहते हैं अरबी में फेले मारूफ. सही है जी. यही अब तक आप पढ़ते आ रहे थे, लेकिन हमने टर्मिनोलॉजी नहीं ली थी क्योंकि उसके ऑपोजिट मजहूल अभी तक नहीं आया था.
तो ये नोट कर लीजिए, ये फेल मारूफ कहलाता है। मारूफ क्या? उर्फत से, यानी जाना पहचाना। जाना पहचाना यानी इसमें जो फाइल होता है वो तज़किरा उसका होता है, उसको आप पहचान सकते हैं फेले मजहूल को और फेले मारूफ को देखकर। ठीक है जी, इसका फाइल मजकूर है इसलिए इसको फेले मारूफ कहते हैं उर्फत से। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, फेले मारूफ के ऑपोजिट है फेले मजहूल। फेले मजहूल से मुराद क्या है कि उसका जो फाइल है वो मजहूल है, यानी उसका जिक्र नहीं किया गया। मजहूल का मतलब है जिक्र ना किया जाना, उसको मेंशन ना करना। ठीक हो गया जी। तो ये फेले मारूफ है, एक्टिव है। अब हमें पैसिव बनाना है। ठीक है जी, अब हम पैसिव की तरफ जा रहे हैं। इंग्लिश में अभी मुझे आपने बना के दिया, क्या बनाया जरा बता दीजिए। हामिद वॉज हेल्प्ड। कुछ लोग जो है वो आगे लगा देते हैं बाय जैद, लेकिन वो ऑप्शनल होता है, आपको पता है, जरूरी नहीं होता। और मजहूल, मजहूल ही क्या जिसमें फाइल का तज़किरा कर दिया जाए। ठीक है जी। अच्छा जी, उर्दू में बनाए तो क्या होगा? हामिद की मदद की गई। ठीक है जी, तो हमने उर्दू में भी मजहूल बना लिया है, इंग्लिश में भी पैसिव बन गया है, फाइल का जिक्र नहीं है, जैद का जिक्र इस जुमले में नहीं है, इसमें भी सब्जेक्ट का जिक्र नहीं है। जैद सब्जेक्ट था, हामिद ऑब्जेक्ट था। अच्छा जी, अब आपको अरबी में सीखना है कि फेले मजहूल कैसे बनेगा। ठीक है, बहुत आसान है। मेरा आपसे सवाल है कि इंग्लिश में, इंग्लिश से हम बात कर रहे हैं, इंग्लिश में आपने पैसिव बनाने के लिए क्या दो चीजें की हैं मुझे बता दीजिए। एक्टिव से पैसिव में आने के लिए आपने दो स्टेप्स क्या लिए, बता सकते हैं जनाब? तो हाँ जी, स्टेप्स बताइए। एक ऑब्जेक्ट पहले। हाँ माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक है जी। पहला आपने ये किया कि आप जो ऑब्जेक्ट था, इस बात को बहुत गौर से समझिए जनाब, ये बेसिस है अरबी के लिए। ठीक है जी, ये बेसिस है जो मैं आपको बताने लगा हूं। जो ऑब्जेक्ट था उसको आपने सब्जेक्ट का स्टेटस दे दिया, सही थी? क्योंकि जुमले में शुरू में क्या आता है, जो वर्ब यानी जुमला फेलिया होगा उसके शुरू में क्या आएगा, इंग्लिश की बात करें, सब्जेक्ट पहले आएगा, ऑब्जेक्ट बाद में आएगा। अब ये जगह तो सब्जेक्ट की थी शुरू में आना, लेकिन आपने क्या किया, पैसिव बनाने के लिए, एक्टिव से पैसिव में जाने के लिए आपने क्या किया, सबसे पहला काम आपने ये किया कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट का स्टेटस दे दिया। क्या ये बात सब अग्री कर रहे हैं? इस बात से कोई डिसअग्री तो नहीं कर रहा कि पैसिव बनाने के लिए आपने सबसे पहले काम क्या किया है, ऑब्जेक्ट जो था हामिद उसको सब्जेक्ट का स्टेटस मिल गया है। ठीक हो गया जी। क्या कोई ये कहेगा कि हामिद सब्जेक्ट बन गया है पैसिव बनाने से? क्या ये बात सही है? नहीं, हामिद सब्जेक्ट नहीं बनेगा, ये बात नोट कर लीजिए। हामिद है ऑब्जेक्ट ही, सही ऑब्जेक्ट ही, ऑब्जेक्ट ही है, उसको सिर्फ सब्जेक्ट की जगह मिली है, उसको सिर्फ सब्जेक्ट का स्टेटस मिला है, बस है वो ऑब्जेक्ट ही, सही है जी। तो हमने क्या किया, गिव ऑब्जेक्ट स्टेटस ऑफ सब्जेक्ट। ठीक हो गया जी, पहला काम आपने ये किया। तो सब बात इस बात से, सब साथी अग्री कर लें कि पहला स्टेप आपने ये किया है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट का स्टेटस दे दिया, वो है ऑब्जेक्ट ही, सही हो गया जी। अच्छा जी, दूसरी बात, दूसरा चेंज आपने क्या किया बता दीजिए जी। वाज का इस्तेमाल हुआ है। हाँ जी, उसको हम कहते हैं चेंज ऑफ द फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है जी, जो वर्ब की फॉर्म है वो चेंज हो गई। सही, हेल्प से वॉज हेल्प्ड हो गई है, तो जो फॉर्म है वर्ब की वो चेंज कर दी है। जनाब अगर ये दो बातें आपकी समझ में आ गई है ना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट का स्टेटस देना और वर्ब ऑफ फॉर्म चेंज करना, जो इंग्लिश की बातें, तो अरबी में यही दो काम करने हैं। अरबी में फेले मजहूल बनाना बहुत आसान है, बहुत आसान है। ठीक है जी, अगर ये दो काम आप कर दें तो बहुत आसान है अरबी में मजहूल बनाना। आइए जी, अब मारूफ से
आप मजहूल की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, क्या करेंगे? यही दो काम करेंगे। अब सबकी तवज्जो होना चाहिए जी। अब हमारी क्लास का, आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर ये पार्ट सबको समझ में आ गया तो फिर फेले मजहूल पूरा समझ में आ गया, आप ये समझ लीजिए 90% कह सकते हैं इंशाअल्लाह। यही दो स्टेप्स करेंगे, ठीक है जी। जो जैद है उसका जिक्र तो आएगा नहीं, करेक्ट, क्योंकि जब आपने पैसिव बनाया तो जैद का जिक्र यहां भी नहीं है, जैद का जिक्र यहां भी नहीं है, तो जैद का जिक्र तो यहां भी नहीं होगा। जो हामिद है उसको, वो ऑब्जेक्ट है। अब ये जरा जहन में रखें, आपने क्या किया था इंग्लिश में, ऑब्जेक्ट हामिद को क्या दे दिया था, सब्जेक्ट का स्टेटस। अच्छा मुझे बताइए, इंग्लिश में तो हम पढ़ चुके हैं कि जो तरतीब है यानी जो ऑर्डर है वो स्टेटस होता है, अरबी में क्या स्टेटस होता है? अरबी में इसम का स्टेटस एराब है, हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, एराब को हम कहते हैं स्टेटस, ठीक है जी। तो मुझे बताइए कि जो फाइल है उसका स्टेटस क्या होता है, उसका एराब क्या होता है? नसब, रफा, रफा फाइल का, रफा रफा रफा, यस जी। और मफूल का नसब, नसब, नसब। अब आपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट का स्टेटस देना है, यानी हामिद जो ऑब्जेक्ट है मफूल है उसको जब आप फाइल का स्टेटस देंगे तो हामिद हालत बताइए रफा में आ जाएगा, माशाल्लाह। ये सबसे अहम चीज है, ये समझ लीजिए जनाब। चलिए, आपने क्या किया है, ऑब्जेक्ट जो था हामिद उसको सब्जेक्ट का स्टेटस दे दिया, क्योंकि इंग्लिश में तो ऑर्डर होता है ना जो स्टेटस है, लेकिन अरबी में तो ऑर्डर की कोई वैल्यू खास नहीं है, हम पढ़ चुके हैं अरबी में स्टेटस क्या है, एराब। तो जो सब्जेक्ट है यानी फाइल है जैद, उसका एराब क्या है? रफा। तो अब आप क्या करेंगे, फाइल का तो जिक्र ही नहीं करेंगे पैसिव बनाते हुए, जो मफूल है जो ऑब्जेक्ट है उसको फाइल का सब्जेक्ट का स्टेटस दे देंगे जो कि रफा है, तो हामिद हालत रफा में आएगा। बात क्लियर होगी सबको? जी सर। किसी साथी को अगर ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो इसको क्लियर कर लीजिए, ये सबसे अहम बात है फेले मजूल की जनाब। सही है जी। अच्छा जी, अब अगर पहला स्टेप हो गया, अब दूसरा स्टेप, सही जी, दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप है चेंज ऑफ द फॉर्म ऑफ द वर्ब। अच्छा जी, अब नसारा जो है, अब हमें इसकी फॉर्म चेंज करनी है। अब अरबी में कैसे फॉर्म चेंज होगी, तो अभी आप नोट कर लीजिए कि अरबी में मजहूल की जो डाई है, मजहूल माजी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है जी, वो है कि आप किसी भी फेल को फुइला के वजन पे डाल दें तो उसका मजहूल बन जाएगा फेले माजी में, फुइला के वजन पे, ठीक है जी। तो अब फा आईन लाम, यहाँ पे नून सौ दराए, तो नसरा का मजहूल क्या होगा? नुसरा हामिदुन, हामिद की मदद की गई, फेले मजहूल। अल्हम्दुलिल्लाह, आपका रेडी है जुमला फेलिया मजहूल के साथ रेडी है। नुसरा हामिदुन, हामिद की मदद की गई, हामिद वॉज हेल्प। दो स्टेप्स इंग्लिश वाले वही किए और हमारा फेले मजहूल पूरा बन गया। नंबर वन, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट का स्टेटस दे दिया, अरबी में स्टेटस एराब है, सब्जेक्ट यानी फाइल का स्टेटस होता है रफा, तो ऑब्जेक्ट को जब आप सब्जेक्ट का स्टेटस देंगे तो ऑब्जेक्ट जो मफूल है वो हालत रफा में आ जाएगा। सेकेंड, आप फॉर्म ऑफ द वर्ब चेंज कर देंगे। कैसे करेंगे? बहुत आसान टेक्निक है, एक ही डाई है मजहूल की माजी की, फुइला। अभी आप इसको लिख लीजिए कि जो भी आपके पास मादा आएगा उसको आप फुइला की डाई पे डाल देंगे तो उसका फॉर्म मजहूल हो जाएगा, तो ये फेले मजहूल हो गया, ठीक है जी। अच्छा जी, नुसरा तो फेले मजहूल हो गया, इसको हम लिख देते हैं फेले मजहूल। फेले मजहूल क्योंकि आपने मजहूल की डाई पे डाल दिया। हामिदुन क्या है जरा ये बता दीजिए? मफूल, ऑब्जेक्ट ही है, ऑब्जेक्ट ही है यानी मफूल ही है, करेक्ट।
ऐसा ही है जी, ये ऑब्जेक्ट ही यानी मफूल ही है, फाइल नहीं है ये। लेकिन एक बात नोट करें, एक बारीक सा नुकता है कि अगर आप इसको मफूल है तो मफूल ही जिसकी मदद की गई है, लेकिन ये क्योंकि फाइल का एराब ले लिया है इसने, ऐसा ही है जी सर, इसने फाइल का एराब ले लिया है ना, तो फाइल तो नहीं बना ये तो कंफर्म है, ठीक है जी, ये फाइल तो नहीं बना ये कंफर्म है, सही है जी। तो इसका नाम क्या होता है, इसका नाम बड़ा मुश्किल सा होता है, जैसे आपने बताया कि ये मफूल है तो इसका नाम होता है मफूल, मफूल है जैसे आपने बताया ऑब्जेक्ट ही है, मफूल मा युसम्मा फाइलहू, मा युसम्मा फाइलहू। अब आप थोड़ी थोड़ी अरबी अगर समझना शुरू हो गए हैं तो इसका मतलब क्या है, ये एक ऐसा मफूल है जिसका फाइल मजकूर नहीं है, जिसका फाइल मेंशन नहीं है, सही है जी, ये मतलब हुआ ना मफूल हामिदुन एक मफूल है, मा युसम्मा फाइलहु जिसका फाइल मेंशन नहीं है। हाँ जी, क्या आप क्या कह रहे थे सर? नहीं वो मा युसम्मा, वो एक बार दोबारा पढ़िए सर, वो मजूर मा युसम्मा फाइलहु, ठीक है जी, जिसका फाइल मेंशन नहीं किया गया, ठीक है जी, मा युसम्मा। अभी इसके आप तर्जुमे में नहीं जाइए, मैं आपको इस तरफ ले जाऊंगा ही नहीं, मैं आपको इंशाल्लाह बहुत इजी करके बताऊंगा, ठीक है जी, बुक्स में आपको ये नाम मिल जाएगा इसका मफूल मा युसम्मा फाइलहु। लेकिन आसानी के लिए इसको क्या कह देते हैं, इसको कह देते हैं नाइब उल फाइल, यानी नाइब कौन होता है जी, आप बताइए नाइब कौन होता है, फॉर एग्जाम्पल नायब किसी को जब बनाया जाता है तो उसका क्या मतलब होता है, असिस्टेंट तो एक अलग, क्या मतलब नायब का मतलब होता है इंचार्ज, नहीं इंचार्ज, नायब का मतलब ये होता है कि उसकी गैर मौजूदगी में उसकी जो ड्यूटीज है वो उसका नायब करेगा, ऐसा ही है ना, रिप्लेसमेंट वाइस जिसको बोलते हैं वाइस, ठीक है जी, कैप्टन का वाइस कैप्टन होता है, उसका काम कब शुरू होता है, जब कैप्टन ना हो, वरना वाइस कैप्टन तो वाइस ही रहता है, उसका काम उस वक्त शुरू हो जाएगा जब कैप्टन मौजूद ना हो, ये को पायलट है, सही है जी। अच्छा जी, नायब उल फाइल है ये, क्या मतलब नायब उल फाइल है ये, यानी ये वो मफूल है, ठीक है जी, जिसका फाइल नहीं है, तो इसको क्या कह दिया गया, ये नायब उल फाइल है, यानी फाइल का वाइस है, और इसको ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि इसने फाइल का एराब ले लिया है, ये मफूल ही। तो ये मुश्किल से जो नाम है मफूल ला युसम्मा फाइला, उसमें नहीं जाएंगे हम, हम इसको बोलेंगे नायबुल फाइल, क्या बोलेंगे इसको, नायबुल फाइल, क्लियर है जी सबको, फेल मजहूल का जो के बाद जो आएगा वो नायबुल फाइल होगा, कोई भी फेल मजहूल नायबुल फाइल के बगैर नहीं हो सकता, सही है जी। अच्छा जी, तो बात बहुत आसान है, दोबारा समेट लेते हैं कि फेल मजहूल कैसे बनेगा, दो स्टेप्स, नंबर वन ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट का स्टेटस दे दिया यानी रफा में कर दिया उसको नसब से, दूसरा फ़ाइल की फॉर्म चेंज कर दी, और मजहूल की फॉर्म क्या है, फ़ाइला, जो भी फेल होगा उसको फ़ाइला के वजन पर डाल देंगे तो मजहूल बन जाएगा, नुसरा हामिदुन हामिद की मदद की गई, नुसरा फेल मजहूल हामिदुन नायबुल फाइल, क्लियर हो गया सबको जनाब, हाँ जी आगे चलें, या किसी साथी का कोई सवाल है स्लाइड के अंदर, डन सर, सर उसको डिप्यूटी बोल सकते हैं सर, कह सकते हैं कुछ भी कर दीजिए, लेकिन आप उसको मतलब इंग्लिश में नायबुल फाइल ही लिखिएगा, सही है, क्योंकि बुक्स में आपको नायबुल फाइल मिल जाएगा, इंग्लिश में समझने के लिए कह सकते हैं कोई हर्ज, ठीक है, अच्छा जी, ये जुमला मैंने इसलिए आपके सामने लेने दिया कि नसरा ज़ैदुन हामिदन, सही है, इसका आपने मजहूल बनाया तो क्या बना, अभी आपने बनाया नुसरा हामिदुन, ठीक है जी, इसका मजहूल बन गया मा,
सैयदी मारूफ से मजहूल हो गया नुसरा हामिदुन, दो स्टेप्स किए, ऑब्जेक्ट यानी मफूल को फाइल का स्टेटस दे दिया, रफा में आ गया, फॉर्म ऑफ द वर्ब चेंज कर दी, नुसरा फुइला के वजन। अच्छा जी, मैं अब एक और फेल लिखने लगा हूं, जुमला फेलिया लिखने लगा हूं, जलासा ज़ैदुन। हाँ जी, मफूल क्या, इसका मजहूल क्या बनेगा? जुलिसा ज़ैदुन। ज़ैदुन कैसे? जुलिसा हु, नहीं जुलिसा, जुलिसा ही होगा सर, जरूर जुलिसा। जुलिसा कैसे जुलिसा होगा? नहीं, जमीर आएगा। जुलिसत ये मजहूल में नहीं, जुलिसा ही होगा, क्योंकि इसमें बस ये अभी आपसे पहले जिन साथी ने जवाब दिया उनका जवाब बिल्कुल सही है, इसका इसका मजहूल नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। वजह बता दीजिए सर। क्योंकि वो खुद ही बैठ रहा है, पहले लाजिम है, पहले लाजिम। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपका जवाब बिल्कुल सही है। इसको मैं आसानी से इंशाल्लाह कोशिश करूंगा आपको समझाने की। नोट कीजिए जी, सबसे पहले आप इसमें जो है ना, इसके जो कंपोनेंट्स हैं उनको मार्क कर लीजिए, फेल और फाइल। मफूल किधर है इसमें? मफूल नहीं, मफूल हो ही नहीं सकता इसका, क्योंकि ये फेले लाजिम है, फेले लाजिम है ना, फेले लाजिम का तो मफूल नहीं होता, आपने पढ़ा है। जिस जुमला फेलिया में मफूल ही ना हो उसका मजहूल कैसे बनेगा? क्योंकि मजहूल बनाने का पहला स्टेप क्या है कि मफूल को फाइल का स्टेटस देना है, मफूल किधर है। सही है जी, जब मफूल है ही नहीं तो उसको फाइल का स्टेटस क्या देंगे? इम्पॉसिबल है कि इसका मजहूल बने, क्यों? क्योंकि मफूल ही नहीं है तो फाइल का स्टेटस कैसे देंगे उसको? सबको समझ में आ गया ना जनाब, कि जिस जुमले में मफूल ही नहीं होगा उसको पैसिव कैसे बनाएंगे आप, उसको फाइल का स्टेटस कैसे देंगे, मफूल तो है ही नहीं इसमें। ठीक हो गया जी, तो हमें पता ये चला कि फेले लाजिम का मजहूल नहीं बनता, ये मकसद था आपको यहां पे बताने का कि फेले लाजिम का मजहूल नहीं होगा। ये फेले मुतादी है, इसका फाइल भी है मफूल भी है, मफूल को आपने फाइल का स्टेटस दे दिया, बिल्कुल मजहूल बन गया। ठीक है जी, तो फेले मुतादी जो होगा उसका मजहूल बिल्कुल बन जाएगा। ठीक है जी, इसका मजहूल बनेगा और बिल्कुल ऐसे बनेगा जैसे कि ये बनाया आपने। तो इस स्लाइड से क्या पता चला? फेले लाजिम का मजहूल नहीं होता, सिर्फ फेले मुतादी का होता है, क्योंकि जब तक मफूल नहीं होगा तो आप उसको फाइल का स्टेटस कैसे देंगे। देखिए जी, जो फाइल है वो तो मजहूल में जिक्र ही नहीं होगा ना, फाइल तो जिक्र ही नहीं होगा। अब मफूल किधर है जिसको फाइल का स्टेटस दें? है ही नहीं, इसलिए मजहूल नहीं बनेगा। बात सबको समझ में आ गई जना? यस कम डस। अगर फाइल मफूल में ऐड करेंगे तो जरा सा दे दीजिए सर। क्या कह रहे हैं सर आप, अपना आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं आई, जरा सा दे दीजिए सर। मफूल ऐड करेंगे तो? मफूल कैसे ऐड करेंगे? करें मफूल ऐड नहीं कर सकते, जरा सा दे दीजिए सर। हाँ जी, कोई मफूल ऐड नहीं कर सकते इसमें? नहीं सर, मफूल इसका हो ही नहीं सकता ना। देखिए, हमने पढ़ा था फेले लाजिम क्या होता है, आपने जरा वो वाली हमारी क्लास ली थी जिसमें हमने फेले लाजिम और फेले मुतादी पढ़े थे। फेले लाजिम जो है ना वो ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं, ठीक है जी, इनट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं, सॉरी, फेले लाजिम इनट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं। उसमें जो एक्शन होता है उसका असर फाइल तक ही महदूद होता है। जलासा ज़ैदुन, ज़ैद बैठा, अब इसमें कोई मफूल तो नहीं होगा ना, अगर ज़ैद बैठा तो उसका असर किसी और पे थोड़ी होगा। दहका ज़ैदुन, ज़ैद हंसा, उसका असर तो ज़ैद पर ही है, करेक्ट। इसी तरह आप अगर कहें कौम, अभी खैर हम लोग इन्हीं मिसालों को रखते हैं अभी, सही है जी। इसी तरह अगर आप कहें दखला ज़ैदुन, ज़ैद दाखिल हुआ, तो उसका असर किसी और पे थोड़ी है। खराजा ज़ैदुन, ज़ैद निकला, उसका असर तो किसी पे नहीं है। हाँ, जब आप बोलेंगे नसौरा ज़ैदुन, ज़ैद ने मदद की, अब उसका असर पे है दूसरे पे, किसकी मदद की? हामिदन, सही जी। तो वो ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं, इन ट्रांजिटिव वर्ब्स जो है फेले लाजिम होते हैं, उसका मफूल हो ही नहीं सकता।
सही, उस फेल का असर तो जैद तक ही महदूद है बस, जितने भी फेले लाजिम है। ठीक है जी, तो हमारा पुराना टॉपिक है फेले लाजिम और मुतअद्दी का। तो फेले लाजिम का मफूल नहीं होता, ये बात तो सब जानते हैं पहले से, तो जब मफूल नहीं होता तो फिर उसका मजहूल भी नहीं बन सकता, क्योंकि मजहूल बनाने का पहला स्टेप यही है कि आप मफूल को फाइल का स्टेटस देंगे। जब मफूल ही नहीं होगा तो फाइल कैसे बनाएंगे उसको, उसका स्टेटस कैसे देंगे। ठीक है जी, अच्छा जी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान को तख्लीक किया, पैदा किया। ठीक है जी, फेले मारूफ है, दलादी से जनाब इसका जुमला फेलिया मुझे बताइए क्या बनेगा। खलकल्लाहुल इंसान, खलकल्लाहुल इंसान, माशाल्लाह, एक्सेलेंट। अच्छा जी, अब इसका मजहूल बनाते इंसान को पैदा किया गया, इंसान को पैदा किया गया। ठीक है जी, तो अब हमने देखा कि मारूफ से एक्टिव से जब पैसिव में आते हैं तो फाइल जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला है, मारूफ में तज़किरा और मजहूल में तज़किरा नहीं होगा। ठीक है जी, तज़किरा नहीं होगा, मेंशन नहीं होगा, इंसान को पैदा किया गया। जी जनाब, खुलिका अल इंसानो। ठीक है जी, पहला स्टेप क्या करते हैं, मफूल इंसान हो, ठीक है जी, उसको फाइल का स्टेटस यानी उसको हालत रफा में ले आएंगे, खुलिकल, और फेल जो है डाई खलका, उसको फोइला की डाई पर डाल देंगे, खुलिका, खुलिकल इंसानु, इंसान को पैदा किया गया। ठीक है जी, अब यहाँ इस, अगर इस जुमला को देखें हम जो मजहूल को, तो फाइल इतना वाज़े और इतना यकीनी है कि उसका तज़किरा, उसका जिक्र नहीं किया गया, खुलिकल इंसानु मिन अजल। ठीक है जी, इंसान को पैदा किया गया, क्लियर है जनाब। अच्छा जी, और जुमला लीजिए, शरीबा अल वलदु, मैं अब अरबी में लिख रहा हूं, अल माआ, लड़के ने पानी पिया, शरीबल वलदु माआ, शरीबल वलदुल माआ। हाँ जी, मजहूल बनाइए क्या बनेगा, सबसे पहले देख लीजिए फेल फाइल मफूल क्या है, फेल शरीबा, फाइल अल वलदु, अल माआ मफूल। पहला स्टेप क्या होगा, जो मफूल होगा उसको फाइल का स्टेटस देंगे, तो क्या हो जाएगा, अल मा अलमाओ। उसके बाद जो शरीबा फेल है उसको फोइला की वजन पे डाल देंगे तो क्या बन जाएगा, शुरीबल, शुरीबा, शुरीबल माओ, पानी पिया गया, शुरीबल माओ, पानी पिया गया। ठीक है जी, अगर हो अकला खाया, अलवलदू अस्सामा, क्या बनेगा मजहूल, उकिलत्तुआमु, माशाअल्लाह, बारकल्लाहु फीकुम, एक्सेलेंट। अच्छा जी, एक और जुमला मैं आपके सामने लिखता हूं, नसारा, या मैं लिखता हूं नसर तू, मैंने मदद की जईदन। अब जरा गौर से देखिए, जो बताइए नसर तू जईदन में फेल फाइल मफूल क्या क्या है, फाइल आना, हाँ जी, फेल नसर तू, उसके अंदर ही उसका फाइल है, जमीर की सूरत में क्या है वो, अना, अना, ठीक है जी, मैंने मदद की, जईदन मफूल है जैद की। ठीक है जी, अब इसका मजहूल बनाना है, कोई मसला नहीं है, स्टेप्स पकड़ लीजिए। पहला स्टेप क्या है,
जईद जो मफूल है उसको फाइल का स्टेटस दे देंगे, वो नायबुल फाइल हो जाएगा, क्या बनेगा? जईदुन, जईदुन नायबुल फाइल हो गया, ठीक है जी। अब इसको डाल दीजिए फोइला के वजन पे, क्या आएगा? नुसीरा, नुसीरत, नुसीरत, नुसीरा, नुसीरा, नुसीरतु, नुसीरतु क्यों? यही तो पॉइंट है जनाब, यही तो पॉइंट, नसर तू जो है वो तो उसमें तो आना फाइल मौजूद है ना, करेक्ट। अब हम नायबुल फाइल जो होगा उसके हिसाब से मजहूल लाएंगे ना, ठीक है जी। जी जी सर। अगर नायबुल फाइल जायद है तो नुसेरा पहला सीगा, यहां पे नसर तू जो है वो तो फाइल मैं हूं ना उसमें, अब उसका तो यहां जिक्र ही नहीं है मजहूल में, उससे हटा देंगे फाइल को। हाँ फाइल को रिमूव कर दिया ना आपने, क्योंकि देखें आप जब भी फाइल को रिमूव कर देते हैं ना पैसे से, ये जो फाइल था अलवलदू तो उसका जिक्र नहीं है। अब नसरतू जो है उसमें आना फाइल है, उसका तो जिक्र ही नहीं करना हमें, ठीक है जी। तो अब जैद जो है मुजक्कर है तो नुसेरा पहला सीगा आया, अगर यहाँ पे होता नसरतू फातिमाता तो फिर क्या बनता? चौथा सीगा, नुसरत फातिमा तू हो जाता, ठीक है जी। तो अब पॉइंट ये है कि जब मजहूल बन जाएगा, मजहूल बनाएंगे तो फिर जो नायबुल फाइल है उसके हिसाब से फेल का सीगा आएगा, क्लियर हो गया सबको जनाब? सही है जी। तमाम जुमले जो हमने किए उन सब में ऐसा ही है, लेकिन उसमें क्योंकि मैंने आपको सब में पहला सीगा दिया था तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हुई थी कि पहला और पहला ही रह रहा था, लेकिन पॉइंट समझिए, पॉइंट ये है कि जब मजहूल बनाएंगे तो फाइल का तो तज़किरा ही नहीं है ना मजहूल में, तो अब जो सीगा आएगा वो नायबुल फाइल के हिसाब से आएगा, अगर वो मुजक्कर हो तो पहला, अगर वो मोनस हो तो चौथा, और सुनिए अगर नायबुल फाइल जमीर हो तो फिर पूरी गर्दान चलेगी, ठीक है जी। वही वाली चीजें हैं सारी, आइए जी उसको डिटेल में देखते हैं। हाँ जी, ओके। तो फेले मजहूल की इक्वेशन क्या बनी? फेले मजहूल is equals to, फेले मजहूल is equals to या फेले मजहूल नहीं लिखना चाहिए मुझे, मुझे लिखना चाहिए फेले माजी या जुमला फेलिया मजहूल is equals to फेले मजहूल और उसके आगे क्या आएगा उसका नायबुल फाइल, ठीक है। जुमला फेलिया मजहूल इज इक्वल टू फेले मजहूल और नायबुल फाइल, यही आपने बनाया अभी। अच्छा फेले मारूफ के लिए आपने क्वेश्चन क्या पढ़ी थी जरा बताइए, यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूं उसको, जुमला फेलिया इज इक्वल टू फेल फाइल मफूल, यही पढ़ी थी ना जो मारूफ के लिए पढ़ी थी, फेल फाइल और मफूल जो अभी बनाते आ रहे हैं आप। तो मुझे बताइए फाइल दो सूरतों में आ सकता है, क्या क्या सूरतें हो सकती हैं? ज़मीर और ज़ाहिर, ज़मीर और ज़ाहिर, ये जुमला फेलिया का सबसे इंपॉर्टेंट कायदा है, ज़मीर और ज़ाहिर। अगर फाइल ज़ाहिर हो तो फिर कौन सा सीगा लाते हैं? पहला और चौथा, पहला या चौथा, और अगर ज़मीर हो तो फिर गर्दान चलेगी, गर्दान चलेगी, माशाल्लाह। तो अब इस बात को जहन में रखिएगा, ठीक है जी, जाहिर और जमीर, ये बात यहां पे दोबारा आएगी। अब जब मजहूल बनेगा तो फेले मजहूल और नायबुल फाइल, अब नायबुल फाइल भी जाहिर भी हो सकता है, जमीर भी हो सकता है। अब तक आपने सारे जाहिर देखे हैं, ठीक है जी। अगर जाहिर होगा तो सेम कायदा फिर से, पहला या चौथा सीगा, अगर जमीर होगी तो गर्दान,
अगर जमीर होगी तो गर्दान, यानी फेले मजहूल की भी गर्दान होगी, बिल्कुल वैसे ही होगी, कोई मसला नहीं है। जैसे अभी आपने नसारा से किया ना, नसारा नसारा नसारू, तो आपने बनाया नुसेरा, ठीक है जी। अब नुसेरा से जरा गर्दान करके बताइए मुझे क्या बनेगी, नुसेरा नुसेरा नुसेरू नुसेरू, हाँ जी, ठीक है जी। अच्छा जी, तर्जुमा भी कर लेते साथ साथ, ताकि एक बार गुथरू हो जाए। नुसेरा उसकी मदद की गई, नुसेरा उन दोनों की मदद की गई, नुसेरू उन सब की मदद की गई, नुसेरत उस एक मोनस की मदद की गई, उन दो मोनस की मदद की गई, नुसरना उन सब मोनस की मदद की गई, नुसरता तुम्हारी मदद की गई, नुसरतुमा तुम दोनों की मदद की गई, नुसरतुम तुम सब की मदद की गई, नुसरती तू एक मोनस की मदद की गई, नुसरतुमा तुम दो मोनस की मदद की गई, नुसरतुन्ना तुम सब मोनस की मदद की गई, नुसरतु मेरी मदद की गई, नुसरना हमारी मदद की गई, ठीक है जी, हम सबकी मदद की गई, हमारी मदद की गई, सही है जी। तो पता ये चला कि जब नायबुल फाइल जमीर होगा तो देखेंगे गर्दान में, और वो सीगा निकाल के लाएंगे और जुमला फिले तैयार हो जाएगा। अगर नायबुल फाइल जाहिर होगा तो पहला या चौथा सीगा चलेगा बस, जैसे कि अभी पिछले जुमले में हमने किया था, हमने जुमला बनाया था नसरतु मैंने मदद की जईदन जैद की, तो अब नायबुल फाइल जैद था, जाहिर था, तो पहला या चौथा सीगा आना था बस, ठीक है जी, नुसेरा या नुसेरत, ठीक है, फाइल का तो जिक्र ही नहीं होगा मजहूल में। तो जईदुन नायबुल फाइल हुआ, जाहिर था, मुजक्कर था, तो आप पहला सीगा लाए नुसेरा जईदुन जैद की मदद की गई। अब किसने की, मैंने की, आपने की, उसका जिक्र तो है ही नहीं मजहूल में। अगर हमने आपसे पूछा कि अगर फातिमा हो जिसकी मदद की गई है, तो आपने कहा चौथा सीगा आएगा, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि जाहिर था मैंने फातिमा की मदद की, तो फातिमा जाहिर, नायबुल फाइल जाहिर, पहला या चौथा सीगा मोनस, तो चौथा सीगा आया नुसेरत फातिमातू, ठीक हो गया जी। चले मैं आपको लिख के इसकी दोबारा से मिसाल देता हूं, ये गर्दान वाला पार्ट सबको समझ में आ गया, जैसे मारूफ की गर्दान होती है वैसे ही मजहूल की गर्दान भी होगी, ठीक है। अच्छा जी, हम लिखते हैं मिसाल दोबारा से एक लेते हैं, जैद ने फातिमा की मदद की, नसारा मारूफ बना रहे, जईदुन फातिमाता, फातिमाता, हाँ जी, इसका मजहूल क्या बनेगा, उर्दू में बना दीजिए पहले, फातिमा की मदद की गई, हाँ जी, दोनों स्टेप्स लगा दीजिए। पहला स्टेप क्या है, जो मफूल है उसको नायबुल फाइल बना देंगे, तो फातिमा का एराब क्या हो जाएगा, फातिमा तू, ठीक है जी, फातिमा तू। अब यहां पे आ जाए, नायबुल फाइल जाहिर है या जमीर है, जाहिर है, पहला या चौथा सीगा आएगा, फातिमा मुजक्कर है, मोनस है, मोनस है, तो कौन सा सीगा आया, चौथा सीगा, चौथा सीगा आया नुसेर, नुसेरत, नुसेरत, क्लियर हो गया जी सब साथियों को, क्लियर है ये पॉइंट, नुसेरत। जब मजहूल बनाएंगे तो नायबुल फाइल देखेंगे जाहिर है या जमीर है, जाहिर होगा तो मुजक्कर मोनस देख के पहला या चौथा सीगा लाएंगे,
जमीर होगा तो पूरी गर्दान का रुख करेंगे जैसे मारूफ में करते हैं वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही। ठीक है जी। अच्छा अब यहां पे होता अगर नसरा जईदुन व हामिदुन फातिमा था तो इस मजहूल पे कोई फर्क पड़ता क्या? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं फर्क पड़ता क्योंकि फाइल का तो जिक्र ही नहीं होगा। सही जी, जो फातिमा वो नायबुल फाइल है। ठीक है जी, ये नायबुल फाइल है। सही है जी। और नुसरत ये फेले मजहूल है तो जो नायबुल फाइल है उसके हिसाब से फेले मजहूल आएगा। अगर यहां पे होता नसर तू फातिमा था, मैंने फातिमा की मदद की, मजहूल पे कोई फर्क पड़ता? नहीं फर्क पड़ता। ऐसे ही बनता है नुसरत फातिमा तू, फातिमा की मदद की गई। अगर यहां होता नसर था तूने फातिमा था, फातिमा की मदद की, इस पे कोई फर्क पड़ता मजहूल पे? नहीं फर्क पड़ता क्योंकि नायबुल फाइल जो है वो फातिमा है, फाइल का तो जिक्र ही नहीं होगा ना मजहूल में। नसर तुम सबने फातिमा की मदद की, कोई फर्क पड़ता? नहीं पड़ता, मजहूल तो वैसे ही बनता क्योंकि फाइल का तो जिक्र ही नहीं मजहूल में। और जो नायबुल फाइल है उसके हिसाब से आप सीगा लाएंगे, अगर वो जाहिर होगा तो पहला या चौथा, अगर वो जमीर होगा तो पूरी गर्दान का रुख करेंगे। क्लियर है जनाब सबको? यस सर, अल्हम्दुलिल्लाह सर, क्लियर अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, अब देखिए, अब जरा गौर से देखिए। अभी मैं ये दोनों चीजें सामने रखना चाहता हूँ इसलिए मैं अभी पूरा बोर्ड अब नहीं कर रहा। फेला इस्मिया से फेला के जुमला इस्मिया से जुमला फेलिया आसान है सर। जुमला फेलिया ज्यादा आसान है क्योंकि हम पढ़ लिए इसीलिए हो सकता है। सही। अच्छा जी, हम कह रहे हैं दौराबा द्वारा हु, द्वारा उसने मारा, हु उसको मारा, उसने उसको मारा। ठीक है जी। द्वारा में फेल और फाइल दोनों मौजूद हैं और हु उसका मफूल है। ठीक है जी, यानी फाइल भी जमीर की सूरत में है और मफूल भी जमीर की सूरत में है। उसने उसको मारा। अब देखिए, मफूल जो है जो नायबुल फाइल बनेगा वो जमीर बन के आ गया है, गर्दान का रुख करेंगे। आइए जी, मजहूल बनाते हैं। पहले जरा उर्दू में बना लीजिए, उसने उसको मारा, मजहूल क्या बनेगा? वो मारा गया, उसको मारा गया। ठीक है जी, उसको मारा गया, उसको मारा गया। ठीक है जी। अच्छा जी, उसको मारा गया। हाँ जी, नायबुल फाइल जाहिर है, जमीर है, जमीर है। जब वो मारूफ में जमीर है ना तो मजहूल में भी जमीर ही रखेंगे, उसको जाहिर नहीं कर देंगे। आप बोले जी मैं हु लगा दूं, हुआ लगा दूं, नहीं ऐसा कुछ नहीं। जब वो यहां पे जमीर है नायबुल फाइल तो यहां पे भी जमीर ही रहेगा। जब जमीर होगा तो क्या करेंगे? गर्दान का रुख करेंगे। उसको गायब है, हाजिर है या मुतकल्लिम है? गायब। मुज़क्कर वाहिद मुसन्ना जमा वाहिद मुज़क्कर। सही है जी। तो कौन सा सीगा बना? दोरेबा। उसको मारा गया, जुमला फेलिया मजहूल तैयार, दोरेबा उसको मारा गया। अगर यहाँ पे होता दौराबा हुमा, उसने उन दोनों को मारा। ठीक है जी, दौराबा हुमा। अब हुमा जो है वो मफूल था जिसको नायबुल फाइल बनना है, तो हुमा जमीर है, गर्दान का रुख करेंगे। कौन सा सीगा आएगा? दोरीबा उन दोनों को मारा गया, उसने उन सब को मारा। हाँ जी, दोरीबू
उसने एक मोनस को मारा, मजहूल क्या बनेगा इसका? मोनस को मारा गया दूरी बत, दूरी बत, उन दोनों मोनस को मारा गया दूरी बता, दूरी बता, उन सब मोनस को मारा गया दूरी बना, तुझको मारा गया, मजहूल बना रहे जी, सही है जी, यानी उसने तुमको मारा तो तुझको मारा गया दुरिप्ता, ठीक है जी, दुरिप्ता, तुम दोनों को मारा गया दुरिप्तुमा दुरिप्तुम, तुम एक मोनस को मारा गया दुरिप्ती दुरिप्तुमा दुरिप्तुन्ना, मुझे मारा गया दुरिप्तु दुरिप्ना हमको मारा गया। तो बात पता ये चली कि नायबुल फाइल जब जाहिर होगा तो पहला या चौथा सीगा आएगा, नायबुल फाइल जमीर होगा तो गर्दान का रुख करेंगे, बस क्लियर है जनाब सब साथियों को? स्लाइड नंबर 5 सर, इसमें आखिरी जो डिस्कस किया गया इसमें सवाल था, थोड़ा सा कंफ्यूजन जी। जैसे हमने फेल मजहूल के जो कायदे पढ़ रहे थे उसमें जो है हमने पढ़ा कि मफूल को जो है हम नाइबुल फाइल बनाएंगे उसको और हालत रफा में लाएंगे, बिल्कुल ऐसा ही है। अभी जैसे इसमें जो है अभी जो पढ़ा हमने जिसमें मफूल जो है वो जमीर था और जमीर जो है वो हालत नसब में होता है, तो जमीर हम इसमें हालत रफा में लाके अगर हुआ लिखेंगे तो कोई मतलब मसला होगा क्या? दुरीबा हुआ इस तरह बनाएंगे तो कुछ गलत हो जाएगा? नहीं नहीं, एक मिनट, आपका सवाल इस वाले से रिलेटेड है ना? हाँ हाँ। अच्छा, अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, मारूफ की बात करते हैं, हम इस तरफ नहीं आते, सही है? अभी मजबूर की तरफ, नसारा, नसारा जो है इसका क्या माना है? उसने मदद की, उसने मदद की, इसका फाइल कौन है? जमीर है, जमीर है, हुआ हुआ है ना? हाँ हाँ सही, हुआ इसके अंदर ही मौजूद है ना? ठीक है, सही है, फाइल है इसका, करेक्ट, इसका फाइल है हुआ, हालत रफा में, नसब में, हालत रफा में है, रफा में, ठीक है जी। तो मैं पता चला जो फेल के अंदर जमीर होती है वो रफा वाली होती है। अब आते हैं इस तरफ, अगर ये बात क्लियर हो गई तो अब आते हैं इस तरफ, दुरिबा जो है वो फेले मजहूल है, इसके अंदर भी एक जमीर है, वो कौन सी है? वही जमीर है, सही, ठीक है। हुआ हालत रफा में, बिल्कुल रफा में, क्यों? क्योंकि ये हुआ तो नाइबुल फाइल है ना, करेक्ट, सही। दुरिबा के अंदर हुआ है वो नाइबुल फाइल, और नाइबुल फाइल रफा में होता है, सही है, ऑलरेडी उसमें मौजूद है, अलग से लाने की जरूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल, उसी तरह जैसे मारूफ में मौजूद है इसमें भी मौजूद है, क्लियर, जज़ाकअल्लाह खैर, सही है, जज़ाकअल्लाह खैर। अगर यहाँ पे होता दराबा ज़ैदन, उसने जैद को मारा, ठीक है जी। अब क्योंकि मफूल जाहिर है तो फिर यहाँ पे आपको दोरीबा ज़ैदुन, जब जाहिर है तो नायबुल फाइल को भी जाहिर करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे मफूल जमीर है तो नायबुल फाइल जमीर बन जाएगा जो फेल के अंदर ऑलरेडी मौजूद है, क्लियर हो गया सर? अच्छा जी, अभी आपने जुमला बनाया था, जो हमने पहला जुमला बनाया, खलकल्लाहु अल इंसान, अल्लाह ने इंसान को पैदा किया, तो आपने मजहूल बनाया खलकल इंसान, इंसान पैदा किया गया, ठीक है जी। अब एक बना रहे हम, हमने पिछली क्लास में बनाया था खलकल्लाहु अल अर्द, अल्लाह ने जमीन को पैदा किया, जमीन को पैदा किया गया, हाँ जी,
खुलिकल अर्दू फिर सोच लीजिए जनाब मैं पहले हम लिखते हैं नायबुल फाइल अल अर्दू जो है वो नायबुल फाइल है तो हालत रफा में आ गया अब इसका फेले मजहूल क्या आएगा जाहिर है जमीर है नायबुल फाइल जाहिर है पहला या चौथा सीगा मुजक्कर है मोनस है मोनस से माई है तो कौन सा सीगा आ जाएगा लिकत और मिलाने के लिए आपको पता है कसरा दे देते हैं ये कसरा आर्जी कहलाता है तो खुलिकतिल अर्दु जमीन को पैदा किया गया ठीक है जी अगर मैं यहां पे लिखूं खुलिकत ठीक है जी खुलिकत उसको पैदा किया गया ठीक है जी तो मादा खा लाम और काफ खलका उसका मजहूल बना खुलिका और मोनस हो गया खुलिकत उस मोनस को पैदा किया गया अफला यंगुरूना इलल इबली कैफा खुलिकत क्या वो नहीं देखते ऊंटों की तरफ कि वो कैसा कैसे पैदा किए गए अल इबली ठीक है जी अल इबली जो है वो अल इबली ये गैर आकिल की जमा है ठीक है जी और जब गैर आकिल की जमा होती है तो फिर सीगा कौन सा आता है वाहिद मोहन्नस आता है ठीक है जी इसलिए खुलिकत का सीगा आ रहा अफला यंजुरूना इलल इबली कैफा खुलिकत कैफा इसमें इस्तफहाम है अभी हमने पिछली क्लास में पढ़ा है कैफा कैसे खुलिकत वो पैदा किए गए ठीक है जी मजहूल उसके बाद मादा है रा फा और आइन रफा उठाना ठीक है जी इसका मजहूल बनेगा रफा आ का तो क्या बनेगा रूफिया और अगर मोनस चौथा सीगा होगा तो क्या बनेगा रूफियात व इलस समाई और आसमान की तरफ सही है जी आसमान की तरफ अब नायबुल फौल कौन है आसमान है सीगा कौन सा आएगा चौथा मोनस है आसमान व इलस समाई कैफ रूफियात और आसमान की तरफ के उसको कैसे बुलंद किया गया उसको कैसे बुलंद किया गया وإلى الجبال كيف نصبت और पहाड़ों की तरफ وإلى الأرض كيف سطحت है जी और पहाड़ों की तरफ कि उनको कैसे ढाला गया जमीन में وإلى الأرض سين طاح وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ سطح صحیح جی پھیلا دیا گیا اور زمین کی طرف کے اس کو کیسے پھیلایا گیا ٹھیک ہے جی الابل جو ہے وہ اوٹوں کی غیر عاقل کی جمع ہے تو اس کے مونس کا صیغہ آیا آسمان مونس سے سمائی ہے تو مونس کا صیغہ آیا جبال جبل کی جمع ہے غیر عاقل کی جمع ہے تو نصبت مونس کا صیغہ آیا سطحت ارض کے لیے آیا کیونکہ ارض بھی مونس ہے तो चारों मोनस के सीगा और चारों मजहूल हैं जो अभी अभी आपने सीखे अफला यंगुरूना इलल इबली कैफा खुलिकत व इलस समाई कैफा रुफियत व इलल जिबाली कैफा नुसिबत व इलल अर्दी कैफा सुतिहत ठीक है जनाब अच्छा जी और हमने क्लास के शुरू में जो हदीस मुबारक पढ़ी थी वो जनाब हदीस थी
इदा जा रमादानु, जब रमादान आता है, फुतिहत मजहूल का सीगा है, ठीक है जी, फतहा से फुतिहा और मोनस का फुतिहत। अब आगे नाइबुल फाइल आ रहा है अब वाबू, ठीक है जी, मफूल है लेकिन चूंकि नाइबुल फाइल बन रहा है मजहूल में तो अब वाबू हालत रफा में आया। अबवाबुल जन्नती मुरक्कब इजाफी, फुतिहत अबवाबुल जन्नती, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं मजहूल, ठीक है जी। और दूसरी हदीस में वो गुल्लिकत अबवाबु जहन्नम, बिल्कुल ऐसे गुल्लिकत भी जो है वो मजहूल है, अबवाबु जहन्नम और बंद कर दिए जाते हैं जहन्नम के दरवाजे, वसुलसिलतिल शयातीन और शैतानों को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। तो ये है रमादान की बरकत, जैसे ही रमादान शुरू हो जाता है तो जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद हो जाते हैं और शैतानों को जकड़ दिया जाता है, ठीक है जी। तो ये मजहूल, एक जुमला मैं आपको देता हूं, आप मुझे उसका ट्रांसलेशन करके दीजिए, मारूफ है मजहूल नहीं है अभी। उसने अल्लाह का जिक्र किया, ज़करा मादा है, फ़ाला के वजन भी आएगा, ذکر اللہ اس نے ذکر کیا اللہ کا، ذکر اللہ مجھول بنائیے جناب، اللہ کا ذکر کیا گیا، ذکر اللہ، ذکر اللہ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے جی، اللہ اس میں جلالہ نائب الفائل حالت رفع میں ہو گیا اور ذکر فعل مجھول ہو گیا، ذکر اللہ، ذکر اللہ اللہ کا ذکر کیا گیا۔ जनाब सूरत अल-अनफाल की आयत जो दूसरी आयत है वो है इन्नमा अल-मुमिनूना अल-लदीना, अभी आप इन्नमा अल-मुमिनूना सब जानते हैं, इन्नमा हसर के लिए, इन्नमा अल-मुमिनूना मोमिन तो वही हैं, सिर्फ वही हैं, हसर अल-लदीना इसमें मौसूल पढ़ चुके हैं आप, इदा जब ذکر اللہ ये फेले मजहूल नायब अल-फाइल के साथ, जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है वजिलत कुलूबुहुम उनके दिल डर जाते हैं, उनके दिल डर जाते हैं। तो मोमिन तो वही है बस कि जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाए वो उनके दिल डर जाते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी एक और जुमला मैं आपको देता हूं मारूफ में, आप बना दीजिए मुझे, उसने कुरान पढ़ा, नहीं नहीं मारूफ है ना, उसने कुरान पढ़ा, बिल्कुल। अब मजहूल बनाइए, कुरान पढ़ा गया, कुरियतुल कुरान, ता क्यों लगाया आप, कुरियतुल कुरान, बिल्कुल कुरान पढ़ा गया। सूरतुल आराफ की आयत वइदा कुरिअल कुरआनु, और जब कुरान पढ़ा, और जब कुरान पढ़ा जाए फस्तमिउला वअनसितु, तो उसको गौर से सुनो और खामोश हो जाओ, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहम किया जाए, ठीक है जी। अच्छा जी एक फेल मारूफ है كتب الله, अल्लाह ने लिख दिया, आपको पता है अल्लाह सुभान व तआला जो लिख दे वो फर्ज है, كتب الله अल्लाह ने फर्ज कर दिया, ठीक है जी। इसका मजहूल बनाइए, मजहूल बनेगा क्या बनेगा, कुतिबा, कुतिबा, ठीक है जी। अब क्या वो आगे आएगा, कुतिबा अलैकुम अस्सियामु, अस्सियामु, ठीक है जी, अलैकुम तो
आपको पता है फेले, सॉरी फेल बोल रहा हूँ, आला हरफे जा रहा है को मजरूर है, तो जो मुरकब जारी होता है मुतालिक होता है, तो मुतालिक जैसे जुमला इस्मिया में आता है, जुमला फेलिया मारूफ में आता है, जुमला फेलिया मजमूल में भी आ सकता है, तो ये मुतालिक हो गया। अस्सियामु इसका नायबुल फाल आया, ठीक है जी। यहाँ पे पूरा कर लेते हैं जुमला ताकि क्लियर हो जाए, अस्सियामा कतबल्लाहु अस्सियामा, ठीक है जी, मारूफ हो गया, अल्लाह ने रोजे फर्ज कर दिए। कुतिबा अलैकुमुस्सियामु नायबुल फाइल रफा में आ गया, कुतिबा फेले मजहूल, तुम पर रोजा रखना फर्ज कर दिया गया, तुम पर रोजा रखना फर्ज कर दिया गया। अब देखिये फाइल का जिक्र नहीं है क्योंकि फाइल तो बिल्कुल जाहिर है, इसलिए उसका जिक्र नहीं किया गया। कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लदीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून, तुम पर रोजे फर्ज कर दिए गए रमजान के रोजे जैसे तुमसे पहले लोगों पे किए गए थे, ताकि तुम तकवा अख्तियार करो। रोजा रखने का जो सबसे बड़ा मकसद है वो है अल्लाह का डर, तकवा अख्तियार करना, क्योंकि जब इंसान रोजा रख लेता है तो जनाब आप ये देखिए कि रोजा रखने के बाद एक मुसलमान जो हलाल चीजें हैं उनसे भी रुक जाता है, ऐसा ही है, यानी हलाल चीजें हैं, खाना है, पानी है, सब चीजें हैं उसके सामने है, लेकिन रुक गया है अल्लाह के लिए, रुक गया है हलाल चीजों से। तो अभी उसकी ट्रेनिंग है पूरा साल के लिए कि अब जो हराम चीज है ना पूरा साल उससे भी बचना है। तो ये है रोजे का मकसद, ताकि तुम तकवा अख्तियार करो, ताकि तुम डर जाओ कि तुम रोजे में जब अल्लाह के डर से अल्लाह की रजा के लिए तुम हलाल चीजों से भी रुक गए हो तो पूरा साल हराम चीजों से क्यों नहीं रुक सकते, जो चीज हराम है जो चीज मना है उनसे क्यों नहीं रुक सकते। तो ये रोजे का बहुत बड़ा मकसद है, ठीक है जी। तो आज हम क्लास पे यहीं पे रुकते हैं, उसके बाद हम अब जो है हमारा तकरीबन ये टॉपिक तो पूरा हो गया है जिसको हम कहते हैं फेले मजहूल। आप साथियों में से किसी साथी का कोई सवाल हो तो मुझसे जरूर पूछिएगा। फिर जो सूरह तकवीर की पहली आयत है इज़ शम्स कुव्विरत, बिल्कुल ये भी फेले मजहूल है, मजहूल ही है बिल्कुल, कुव्विरत जब सूरज लपेट दिया जाएगा, लेकिन इसकी जो डाई थोड़ी मतलब डिफरेंट है। हाँ हाँ वो क्योंकि हमने अभी वो पढ़ा नहीं है ना, वो पढ़ेंगे इंशाल्लाह, वो सब पढ़ेंगे हम, कि ये जो आपको फेल मुख्तलिफ सूरतों में नजर आते हैं ना, कभी आपको तजदीद के साथ कभी अलिफ के साथ, ये सारी चीजें इंशाल्लाह हमारे कोर्स का पार्ट है, सब आएंगी इंशाल्लाह। जी जनाब, और किसी साथी का कोई सवाल है? कमरान ये कौन सी स्लाइड है हमारी? ठीक है जी, इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलेंगे। आप साथियों को कोई सवाल हो मजहूल से रिलेटेड तो जरूर पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह होमवर्क भेजूंगा, जरूर अटेम्प्ट करिएगा, कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं, अगली क्लास में भी पूछ सकते हैं, फिर इंशाल्लाह हम आगे चलेंगे। अब जुमला फेलिया हमारा जो माजी है वो तकरीबन खत्म हो रहा है, एक आध टॉपिक ही है, उसके बाद इंशाल्लाह मुदारे शुरू करेंगे और फिर ये एडवांस टॉपिक्स जो हैं, जैसे अभी एक साथी ने पूछा जी कुव्विरत कैसे बना, ये चीजें हम सारी इंशाल्लाह पढ़ेंगे, हैं बहुत आसान और बहुत दिलचस्प। والله اعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته جزاك الله خير جزاك الله خير بارك الله فيكم